हेलो, आप संवाद ओलंपिक्स में आपका स्वागत है, जहां बच्चों को परखा जाएगा कि कौन अच्छे से बोल सकता है और दूसरे की बात अच्छे से सुन सकता है। मैं हूं आपका होस्ट चेतन। और मैं आपकी होस्ट मोनिका। सबसे पहले हमारे साथ है केतन। पिछले वर्ष जब जावेद इन्हें बता रहे थे कि उनकी बिल्ली को डायबिटीज है, तब इन्होंने फेमसली अपना मोबाइल फोन निकाल लिया था। ऐसा लगा कि उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी कि वो उन्हें क्या बता रही थी। जजेस सुनने के कौशल को 1 से 10 के पैमाने पर आंकेंगे। वो सक्रियता से सुनने की तकनीक पर ध्यान देंगे। जजेस आंखों से आंखें मिलाने और सर हिलाने पर ध्यान देंगे। आपको सामने वाले पर अपना पूरा ध्यान देना है, मतलब कि आप सच में समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। सवाल पूछना और स्वीकारात्मक बातें कहने पर ज्यादा स्कोर मिलेगा। आइए ग्राउंड पर मौजूद जिया के पास चलते हैं। जिया, केतन अपनी दोस्त निकिता से बात कर रहे हैं। तो जोया ने मुझे लटका दिया। मेरे पास मूवी देखने के लिए कोई साथी नहीं था और उसने माफी तक नहीं मांगी। मतलब हम बचपन की दोस्त है। सच, उसने ऐसा किया? हाँ, मतलब ये तो बहुत ही गलत है। सवाल पूछना अच्छा है। उन्हें अच्छा स्कोर मिला है क्योंकि उन्होंने निकिता की समस्या को दोहराया और स्पष्टता के लिए सवाल भी पूछा। कुल मिलाकर ये दर्शाता है कि वो पूरे ध्यान से सुन रहे थे। मतलब मुझे होमवर्क करने में 3 घंटे लगेंगे। ओ नो, लगता है वो सुंदर सा कीड़ा सैंडविच के पास ही जा रहा है। उसके रंग तो देखो, कितना अद्भुत कीड़ा है। देखते है आगे क्या होगा। मेरे साथ ही रहता। ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे हमने कभी म्यूजिक वीडियो साथ बैठकर देखी ही नहीं। ओ, देखो ये कीड़ा। क्या? वो उस अद्भुत कीड़े के बारे में बात करना चाहते हैं क्योंकि उनकी इस बात में कोई रुचि बाकी नहीं है, लेकिन वो निकिता के अच्छे दोस्त भी रहना चाहते हैं। अरे यार, ये तो बहुत गलत हुआ। क्या तुमने उसे बताया कि तुम्हें बुरा लगा? नहीं बताया। तुमने मेरी बात अच्छे से सुनने के लिए शुक्रिया। चलो हम उनके पास चलते हैं। और वो संभल गए। केतन ने एकदम सही किया। उन्होंने अपना ध्यान भटकने नहीं दिया, चाहे वे बोर ही क्यों ना हो रहे थे। और फिर उन्होंने एक अच्छा, खुद को समझने वाला सवाल पूछा। जजेस ने इसके लिए 8.2 स्कोर दिया। नजर हटाने के लिए उनके कुछ पॉइंट्स काटे गए और हम देख सकते हैं कि केतन ने अपनी समस्या वापस दोहराई। फिर से आपके पास मोनिका। वाह, वह वाकई बहुत सुंदर कीड़ा था। अब हम ध्यान देंगे प्रभावकारी संवाद शैली पर। यानी कोई बात करते समय कैसे सुनाई देता है? बिल्कुल नहीं चेतन। जजेस दृढ़ता पूर्वक संवाद ढूंढ रहे हैं, जिसका मतलब है कि सीधी बात कहना और आपको जो चाहिए उसके बारे में ईमानदारी से बताना, बिना किसी को नीचा या बुरा महसूस कराए। मेरा वही मतलब था। चलते हैं नताशा के पास। हम देख सकते हैं कि उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वे रसोई में रखे अपने माँ बाप के पैसे के बक्से से पैसे निकालें। यार, रसोई में पैसे रखे तो हैं, बस 100 रुपए ले ले ताकि हम टॉफियां ले सकते हैं। मुझे टॉफी नहीं चाहिए। हाँ, पता है। ओहो, हम नताशा को तो जानते हैं। वो स्पष्ट नहीं कह रही, वो अपने घर के बक्से से पैसे चुराना नहीं चाहती, पर असल में उन्हें टॉफी चाहिए जरूर। अगर हम मेरे घर पे होते तो मैं पैसे ले लेता। ठीक है, शायद उन्हें पता नहीं चलेगा। ये एकदम निष्क्रिय संवाद है। जजेस इससे खुश नहीं है। रुको रुको रुको, लगता है नताशा अपना फैसला बदल रही है क्योंकि वो असल में भी पीछे मुड़ती दिख रही है। पता है क्या, माँ बाप के पैसे चुराना सही नहीं है। मुझे उनका विश्वास नहीं खोना। अगर तुम ऐसा बर्ताव करोगे तो मुझे नहीं पता कि अगली बार तुम्हें यहाँ आना चाहिए या नहीं। और वैसे भी मुझे टॉफी तो हमेशा चाहिए होती है। ठीक है, समझ गया। मैंने धोनी के बाद किसी को इतनी बड़ी अपारी पलटते नहीं देखी। दृढ़तापूर्ण संवाद का यह बेहतरीन उदाहरण है। जजेस ने इसे 8.9 स्कोर दिया है। उनकी शुरुआत निष्क्रिय थी, न चाहते हुए भी उन्होंने दबाव में हाँ कह दिया था। शायद अगली बार उन्हें उस पर चिल्ला देना चाहिए, जिससे कि उसे चोरी करने पर बुरा लगे। वो आक्रामक संवाद होगा जिसके लिए जजेस बहुत बुरा स्कोर देंगे। जब आप गुस्से या डर से जवाब देते हैं, आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं, किसी के अधिकारों का हनन भी कर सकते हैं। नताशा ने अंत में दृढ़तापूर्ण संवाद किया। उन्होंने सीधा कहा कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, चाहे वह कहना उनके लिए काफी मुश्किल ही क्यों न था। तो आज आपके लिए बस इतना ही। और मैं हूँ मोनिका। और मैं दृढ़ता से बता रहा हूँ कि हमारा समय खत्म हो चुका है। अच्छी कोशिश थी चेतन। ठीक है, फिर मिलेंगे। ये है प्रयास संस्था की लेट्स टॉक सेक्सुअलिटी वेबसाइट। यहाँ आप हिंदी और मराठी में वीडियोस देख सकते हैं, तथा अंग्रेजी में वीडियोस देखने के लिए amaze.org पर जाना न भूले।